नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप कहीं से भी क्लास एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं भी हो आप वहाँ बैठ के पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बेस्ट टीचर्स के साथ आप पढ़ सके, साथ ही में आपको मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। आप कितने कोर्सेज आपको कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपको टीचर्स का गाइडेंस मिल जाता है, अनलिमिटेड आपको क्विजेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है और बहुत कुछ। इवन एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, और अगर 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा दैट इज 4 मंथ का एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सक्रिप्शन। तो एक बहुत अच्छा ऑफर है, 31 मई के पहले आपको ये ऑफर का फ़ायदा ले लेना चाहिए। दोस्तों महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, फ्री बैच चल रही है, रोज़ रात को 9 बजे हम उस बैच को ले रहे हैं जिसमें मैं और सिसार सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हमारी फ्री क्लास को ज्वाइन कीजिए। साथ ही में सब्सक्रिप्शन दो तरह का है, ये भी देख लीजिए कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। प्लस के तो सारे फीचर्स मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, एक्सपर्ट का गाइडलाइंस मिल जाता है और आपका टेस्ट का एनालिसिस भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं 4 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स और 1 ईयर के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक और प्लस का। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना आप ले सकते हैं, और ये जो रेट आपको दिख रहे हैं सामने इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पवन वाघ रेफरल कोड यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और हमारी जो नई बैचेस चल रही है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर 4 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 2 साल आप ITJEE फाउंडेशन इसमें पढ़ेंगे, JEE फाउंडेशन NTSC में, और बचे हुए 2 साल आप ITJEE में जाएंगे, या फिर आपको नीट में लेना हो तो आप नीट में ले सकते हो। तो आपके ऊपर है आपको कहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कीजिए और हमारे इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी, और मैं हूँ आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटी। दोस्तों चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2.5, जो कि एक पोम है जिसका नाम है नोज वर्सेस आईज, जो विलियम काउपर द्वारा लिखी थी। विलियम काउपर, चलिए नोज वर्सेस आईज। सबसे पहले तो ये टाइटल का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है ये हमको देखता है। मतलब नोज वर्सेस आईज है ना, नाक बनाम आंखें, दोनों में टकराव है। देखते चलिए पोएम में पता ही चलेगा हमको क्या होता है। कंप्लीट द वे विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब आईज एंड नोज इन ऑल रिस्पेक्ट्स, टू आर डन फॉर यू। देखिए आंखों के बारे में कुछ एडजेक्टिव्स हमको यूज करने हैं, कुछ विशेषण हमको यहाँ पर उपयोग में लाने हैं। तो जिसको हमको दिए गए हैं, आईज आर ब्यूटिफुल, डिसर्निंग में मतलब कुछ सोच करके, कुछ डिसाइड करके, है ना। डिसर्निंग मतलब जो कुछ जज कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। आईज आर ग्रीन, है ना, रंग भी हो सकता है, ब्लू आईज ग्रीन आईज भी कहते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में आईज आर सर्चिंग आईज, है ना, ठीक है। अभी सर्चिंग आईज में हम कह सकते हैं कि भाई सर्चिंग आईज वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव है नहीं, है ना, पर वो एक वर्ब है, है ना, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस उसको हम एडजेक्टिव की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। आईज कैसी है, राउंड है। आईज कैसी है, यू कैन से बिग आईज। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हम आईज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोज के बारे में देखते हैं, नोज को क्या यूज कर सकते हैं हम। नोज शार्प, है ना, लॉन्ग, वाइड, कर्व्ड, फिर उसको हम पैरेट, है ना, पैरेट नोज, तोते की तरह, तोते की जो चोंच होती है उसकी तरह नाक, है ना, इस तरह से उसके लिए एडजेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं।
Given below are some words from legal terminology used in court affairs. Discuss and complete the table accordingly. ये मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्यों कि इसमें आपको एक नई वोकैबुलरी सीखने को मिल रही है, प्लस उसके साथ साथ उसको कैसे हमें सेंटेंस में यूज करना है ये भी हम सीखने वाले हैं। चलिए, एफिडेविट का मतलब क्या है? एफिडेविट मतलब क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट, है ना? मतलब क्या होता है? अ रिटन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट कंफर्म्ड ऑन ओथ टू बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र, है ना, इसको हम मराठी में या शपथ पत्र, है ना, इसको कहते हैं शपथ पत्र। मतलब क्या कि हम कह रहे हैं, हम कसम खा के ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये सत्य है और ऐसा ही है, है ना। तो ये कोर्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, कोर्ट में भी यूज किया जा सकता है। ये रिटन स्टेटमेंट है, कन्फर्म्ड ऑन ओथ, ओथ मतलब कसम, हमने शपथ, शपथ पर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, है ना। तो इसे हम कहेंगे एफिडेविट, एंड एफिडेविट, है ना। सो अब इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, ये पूरा इसको हमने बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। एफिडेविट, एंड एफिडेविट, द कोर्ट आस्क्ड द कल्प्रिट और द कोर्ट आस्क्ड द पार्टी टू सबमिट एफिडेविट अबाउट इट, है ना, टू सबमिट एफिडेविट अबाउट इट। चलो, किसी चीज के लिए कोई एफिडेविट, कंसेंट, कंसेंट मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट विथ अदर पार्टीज स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या कि जो कुछ भी अगला कह रहा है उससे मैं सहमत हूं, कंसेंट मतलब सहमति, है ना, हमी भरना कि भाई वो जो कुछ भी कह रहा है वो सत्य है, ओके। द जज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, है ना। मतलब जज ने सहमति दे दी किस चीज के लिए, कि ठीक है आप मुझे चीफ गेस्ट बनाना चाहते हो, है ना, मुख्य अतिथि बनाना चाहते हो, तो मुझे, मैं सहमत हूं, मैं जरूर आऊंगा, इसके लिए मेरी सहमति है, कंसेंट। कंसेंट मतलब किसी ने जो कुछ भी कहा है उसे सहमति देना, ठीक है। चौथा है काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस, है ना, काउंसिल, काउंसिल मतलब यहां पर हम उसे कहेंगे सलाहकार, है ना, सलाह देने वाला, है ना, सलाह देने वाला। द काउंसिल एडवाइज्ड टू बी अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उसने सलाह दी कि भाई उस जगह से आप दूर ही रहो कुछ दिनों के लिए तो अच्छा रहेगा, है ना, काउंसिल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक भूल गए हम, दूसरा आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या है? अ वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट मतलब बात, झगड़ों, झगड़े जब होते हैं, कुछ तनाव जिसको हम कहते हैं, तनाव या विवाद, बातों के तौर पर, सिर्फ झगड़ा नहीं है ना, फिजिकल नहीं। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है कि हम कहेंगे विवाद, है ना। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है विवाद। द जज सीरियसली हर्ड द आर्ग्यूमेंट, मतलब वो दोनों भी जो विवाद वहां पर कर रहे थे कोर्ट में, अपनी अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, उसको जज बहुत ही ध्यान देकर सुन रहे थे। जज सीरियसली हर्ड द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब दो वकील आपस में जो कुछ भी विवाद करते हैं उसकी बात, उस चीज को आर्ग्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये लीगल है या फिर क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम कोर्ट की बात फिर से दोहरा रहे हैं वहां पर, है ना। चलिए पांचवा है जजमेंट। जजमेंट अ डिसीजन, ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय द कोर्ट, एन ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय द कोर्ट। कोर्ट में जो औपचारिक फैसला होता है उसे जजमेंट कहा जाता है ना। कोर्ट सुना देता है कि इसको ये सजा हो जाए या फिर उसको वो किया जाए, तो ये जो ऑफिशियल होता है, मतलब ये लिखा हुआ होता है, नोटेड डाउन होता है, उसको हम कहते हैं जजमेंट। जजमेंट का क्या होता है? फैसला, है ना, कोर्ट का फैसला। द जजमेंट, नहीं द जजमेंट नहीं, द कोर्ट टुक 5 years टू कम एंड डिलीवर द जजमेंट। 5 years टू डिलीवर द जजमेंट। कोर्ट ने 5 साल लगाए फैसला देने के लिए, कोर्ट ने 5 साल लिए, ऐसा यहां पर कहा जा सकता है। चलिए जजमेंट। फिर बाद में नेक्स्ट वर्ड है ट्रायल। ट्रायल 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 क्या होता है? अ लीगल एग्जामिनेशन फॉर रीडिंग, अ लीगल examination to reach the judgment, मतलब फैसला लेने के लिए जो कुछ भी कार्रवाई होना जरूरी होता है, मतलब एक वकील पहले अपनी बात कहेगा, फिर दूसरा वकील दूसरी अपनी बात कहेगा, फिर दोनों अपने अपने जो कुछ भी उनके पास क्या कहते हैं प्रूफ्स है, एविडेंसेस है, वो सारा कोर्ट को देंगे और अपनी बात कहेंगे, तो ये जो चीज़ें होती है उसको ट्रायल कहा जाता है। ट्रायल मतलब कार्यवाही, है ना, कानूनी कार्रवाई, है ना, कैसे कहा जाता है ना कोर्ट में, कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, तो इसको कहेंगे कार्यवाही, है ना, ट्रायल। द ट्रायल हैज बीन, इन द ट्रायल हैज बीन इन द कोर्ट, नहीं ऐसा नहीं है, आफ्टर 6 years ऑफ अ ट्रायल द कोर्ट फाइनली केम टू द जजमेंट।
सिक्स ईयर्स ऑफ ट्रायल मतलब 6 साल कहां सुनी होती रही और उसी के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, कोर्ट ने फैसला किया, ठीक है, ट्रायल। उसके बाद में वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, ठीक है। अभी देखिए वर्डिक्ट और जजमेंट है ना, जजमेंट और वर्डिक्ट में फर्क होता है। जजमेंट ये एक बहुत ही बड़ी टर्म है, वर्डिक्ट एक पर्टिकुलर मैटर में है ना, अ लीगल और ऑफिशियल डिसीजन, एन ऑफिशियल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इन अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर सिचुएशन। वर्डिक्ट क्या होता है, मानो एक कोई फैसला है उसको हम वर्डिक्ट कहेंगे। जजमेंट क्या होता है कि कोर्ट, ये जजमेंट, कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कहीं पर भी लागू किया जा सकता है। अगर कोई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है तो वो एक उदाहरण के तौर पर कहीं और भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि भाई 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो कोई भी नहीं स्वीकार करता है। अगर उन्होंने, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई अगर ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा तो उसे कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए या फिर उसको 3 दिन की सजा दी जाए, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट लिया है। अगर ऐसा जजमेंट दिया है तो वो ओडिशा में भी, ओडिशा में कोर्ट में वो कहा जा सकता है कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ये कहीं पर भी लागू होता है ना। पर वर्डिक्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक फैसला कोर्ट के सामने आया है कि 2 लोगों का झगड़ा है, हो सकता है झगड़ा प्रॉपर्टी का हो, और कोर्ट ने दिया है, डिसीजन दिया है कि भाई ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इसने, इसके पास सारे के सारे दस्तावेज है तो इसको मिलनी चाहिए, ए को मिलनी चाहिए, बी को नहीं मिलनी चाहिए, तो ये हो गया वर्डिक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर केस में जो दिया जाता है उसे कहेंगे वर्डिक्ट, और एक जनरल जो लिया जाता है वो कहते हैं जजमेंट, ठीक है। चलिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर विथ कोर्ट और लॉ, मतलब कानून या फिर कोर्ट के साथ बदसलूकी है ना, कोर्ट या कानून के साथ की गई बदसलूकी, इसका इसकी सजा भी होती है। इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है तो उसको सजा भी मिल सकती है। He was convicted for the contempt of court and sent to jail for 3 days. है ना, कानून के साथ और कानून की बदसलूकी करने की सजा में उसे 3 दिनों तक हवालात में भेजा गया। नोटिस, नोटिस क्या होती है, अ लीगल वार्निंग मेकिंग द पार्टी अवेयर, अ लीगल वार्निंग मेकिंग द पार्टी अवेयर ऑफ द लीगल एक्शन, है ना। नोटिस क्या होता है, नोटिस ये होता है कि मान लीजिए आपने मुझे कुछ वादा किया था या फिर कुछ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है, तो मैं आपको कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजूंगा कि भाई आपने ऐसा ऐसा नहीं किया है तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, इस तरह से ये नोटिस भेजा जाता है ना। तो इसके इसके द्वारा क्या होता है कि अगली पार्टी को आपको आगाह करना होता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है ना। His brother was sent a legal notice for not, or he was sent a legal notice for not honoring the check, है ना। उसने एक चेक किसी को दिया था, वो चेक डिसऑनर हुआ है, वो पैसे नहीं उसको मिले हैं, तो इसीलिए वो कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उसने की है और उसको नोटिस भेज दिया है। और आखिरी है स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, स्टे मतलब रुको, रोकना। तो
कानून की कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, कोर्ट के ऑर्डर को टेम्पररीली सस्पेंड किया जाता है ना, सस्पेंड कोर्ट ऑर्डर टेम्पररीली, टेम्पररीली मतलब कुछ समय के लिए। ये जो कुछ भी कोर्ट ने निर्णय लिया है कि समझो मान लीजिए कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, पर उसने फिर से कुछ किया, दूसरी पार्टी ने कुछ किया, तो कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे थे स्थिति में रखे जाए, उसको कुछ भी किया नहीं जाए, जो भी कोर्ट ने फैसला लिया था वो कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए या फिर कुछ दिनों के लिए वैसा का वैसा रखा जाए। तो ये एक हमने जार्गन देखा है, लीगल जार्गन उसको कहते हैं। देखिए जार्गन का मतलब क्या होता है ये भी आपको देखना जरूरी है। जार्गन, जार्गन का मतलब क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र से जुड़ी उसकी जो वोकैबुलरी होती है, उसके जो शब्द होते हैं उसी को हम जार्गन कहते हैं, ठीक है। तो लीगल जार्गन मतलब जो कानून या फिर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा, लेजिस्लेचर से जुड़ा जो क्या कहते हैं उसको, शब्द शब्दों का भंडार है, उसी को हम लीगल जार्गन कहते हैं। चलिए आखिरी सवाल है इस आइस ब्रेकर का, नेम द फाइव सेंसरी ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड फ्रेजेस इडियम्स प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू देम। वन इज गिवन फॉर यू, टू टर्न अ डेफ ईयर, है ना, टू टर्न अ डेफ ईयर। अभी क्या है कि भाई हमको कोई भी पांच सेंसरी ऑर्गन, है ना, सेंसरी ऑर्गन के कौन कौन से होते हैं, नोज, ईयर्स, आईज, स्किन, टंग, है ना, पांच, एक दो तीन चार और पांच। तो ये कोई भी चार पांच सेंसरी ऑर्गन से जो कुछ भी इडियम्स या फ्रेजेस या फिर प्रोवर्ब बनती है उनके बारे में हमें देखना है। टू टर्न डेफ ईयर, डेफ ईयर टर्न करना मतलब क्या है, अनसुना करना, है ना, इसे अनसुना, कोई कुछ कह रहा है तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। दूसरा, चलिए अभी ये हुआ ईयर का, है ना, अभी हमको क्या देखना है, नोज, टू कीप वन्स नोज क्लीन, खुद का नाक साफ रखना। अभी देखिए इडियम का मतलब जस की तस नहीं होता है, शब्द शाह अर्थ उसका नहीं ले सकते हम। टू कीप वन्स नोज क्लीन मतलब स्टे आउट ऑफ ट्रबल, स्टे आउट ऑफ ट्रबल मतलब कोई भी, ये नोज है ना, नोज क्लीन मतलब कोई भी झमेले में न पड़ना, है ना, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना। उसके बाद में सी, टू स्किन समवन, ठीक है, अभी इन सारों के हम सेंटेंस भी लेने वाले हैं, ठीक है, टू स्किन समवन, है ना, मतलब खाल उधेड़ना, है ना, एकदम सटीक उधेड़ना, है ना, मतलब क्या है, टू स्किन समवन, टू पनिश, ठीक है, पनिश किसी को सजा देना, पनिश करना, टू पनिश समवन, ठीक है। डी, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर, है ना, मतलब अनदेखा करना, ठीक है। और आखिरी, अभी इतने से हमें इतने पर हमें बस नहीं करना है, इसके हमको सेंटेंसेस भी लेने हैं, इनको सेंटेंस में किस तरह से हम यूज करेंगे वो भी हमें देखना है ना। बी टंग इन चीक, मतलब क्या कहते हैं उसको, मॉकिंग, मजाक, मजाक में कहना, है ना, ठीक है। चलिए अभी ये सारे तो हमने देख लिए, अभी एक एक करके इसके सेंटेंसेस हम देखेंगे, ठीक है। इसको मुझे लगता है ये आपको अगर चाहिए तो इसको आप पॉज करके लिख कर ले सकते हो।
पर अभी एक 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 करके हमें टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना करना। आई आस्ड फॉर अ मोबाइल फोन from my father, but he turned a deaf ear. मैंने अपने पापा से मोबाइल की डिमांड की, मोबाइल की मांग की, पर उन्होंने उसे अनसुना कर दिया, है ना। चलिए दूसरा है, टू कीप वन्स नोज क्लीन, ठीक है। इसको हाँ झमेले में ना पढ़ना है, इसको हिंदी में हमने कहा है टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, ठीक है। चलो स्टे आउट ऑफ ट्रबल, अ मिस्चीवस बॉय वॉज एडवाइज्ड बाय हिज फादर टू कीप हिज नोज क्लीन ड्यूरिंग अ फैमिली फंक्शन, ठीक है। एक बहुत ही शरारती बच्चा होता है, तो क्या होता है, कभी भी जब आपके फैमिली में कोई फंक्शन होता है, आप में आपके यहाँ पर कोई उत्सव होता है, कुछ आप सेलिब्रेशन होता है, तो उसे उसके माँ बाबूजी उसको कहते हैं कि भाई देखो कोई बखेड़ा मत खड़ा करना, तो उसे कहा जाता है कि कीप योर नोज क्लीन, आपको कोई भी झमेला खड़ा नहीं करना है। कि अ मिस्चियस बॉय वॉज एडवाइज बाय हिज फादर टू कीप हिज नोज क्लीन ड्यूरिंग अ फैमिली फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू स्किन समवन पनिश, सजा देना, है ना। इफ आई डोंट गो होम बिफोर सनसेट माई फादर विल स्किन मी मतलब खाल उधेड़ना, जैसा मैंने कहा है, इफ आई डोंट गो होम बिफोर सनसेट माई फादर विल स्किन मी, मैं अगर सूरज ढलने से पहले घर पर नहीं पहुंचा तो मेरे पिताजी मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे, है ना, ठीक है। चलिए खाल उधेड़ देंगे, मेरी खाल उधेड़ देंगे, ये बहुत, मेरे पिता मेरी खाल उधेड़ देंगे, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई अनदेखा करना, है ना, मतलब के इग्नोर, है ना, इग्नोर। व्हेन आई कॉल्ड माय फ्रेंड When I saw my friend in a mall and called him, he turned a blind eye. ठीक है, जब मैंने अपने दोस्त को मॉल में देखा और उसे आवाज दी तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, और आखिरी idiom आज हम देखने वाले हैं, टू बी टंग इन चीक। अभी टंग इन चीक जो होता है उसके बहुत सारे मायने होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मजाक में कहना,
या फिर क्या कहते हैं कि असभ्य तौर से कहना, है ना, ऐसा भी उसका मतलब होता है। तो टंग इन चीक, हिज स्पीच स्पीच वॉज फुल ऑफ फन वेन फुल ऑफ फन एंड ही सेड सो मैनी थिंग्स थिंग्स टंग इन चीक। ओके, मतलब ऐसे ही मजाक किए, उसका भाषण जो था वो पूरी तरह से बहुत ही हंसाने वाला था। बहुत सारी चीजें उसने ऐसे ही मजाक में कह दी थी। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।